तेरी आंखों में कई ख्वाब देखे हैं मैंने, तेरी सांसों से जुड़े हर दिन को मैंने इतना जिया है, बस जो दिल की बात तुमसे जुड़ी है तुम तक पहुंचा दो जाने कैसे। अपनी जिंदगी के बारे में प्राउडली कहते हैं, कुछ काम किया, कुछ प्यार किया, और हमने काम से प्यार किया, और हमारा काम घूमना है, जस्ट ट्रेवलिंग ब्रो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेवलिंग बहुत पसंद है, ट्रेवलिंग से ज़्यादा मुझे सोशलाइजिंग पसंद है, नए नए दोस्त बनाना। जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती, और ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, तो गाड़ी हमने उधर छोड़ दी है जहाँ तक गाड़ी आती है मेन बाज़ार तक। और पीछे बशार ने माहौल बनाया हुआ है, MP3 लगाई हुई है, फिर हम जा रहे हैं अभी। सुख आते हुए रास्ते में एक जगह है जहाँ पे आवाज़ इको होती है, सब चीखते हैं इधर, तो मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ। ये बैक साइड पे ये पहाड़ जो है ना, इधर बंदा जब चीखता है आवाज़ बाउंस बैक होती है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चेक किया कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा। और अभी थोड़ी चढ़ाई भी है, थोड़ा हम चढ़ रहे हैं, तो जैसे पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं। ये भी थोड़ा रेस्ट करें, हम इधर बैठे हुए हैं, अली साहब 4G चला रहे हैं, और ये मुशाहिद आज धूप बहुत तेज है, बशारत मैं क्या बोलूँ, इसको चालू कर। अगर कोई बंदा शहरी लाइफ से, शहर में रहने वाले जो होते हैं, जो सिटीज़ में रहते हैं, वो काफ़ी सुकून की तलाश में होते हैं। मेरी सजेशन उन लोगों को है जो पूरा दिन मशीनों की तरह काम करते हैं पूरा साल, वो महीने में एक बार इधर ज़रूर आए। इधर आके बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है अपने आप को। ऑर्गेनिक विलेज से थोड़ा आगे आए थे, तो अभी आगे हम गए नहीं हैं।
स्टार्टिंग में ही इतनी खूबसूरत जगह थी, पुरफिजा है, खूबसूरत है, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने, लोकल और टूरिस्ट सारे अपने साथ चीज़ें लाते खाने पीने की और वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। ये सही नहीं, ये नहीं करना चाहिए लोगों को। ये यहाँ डस्टबिन होगी, हमने इंतजामिया से हमारी बात हुई थी तो वो क्या डस्टबिन है, लेकिन हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। इसलिए अगर डस्टबिन ना भी हो तो आप इस तरह के फैन देखकर ऊपर कहीं लटका दे ताकि बाद इंतजामिया वाले साइड में चलिए। ये एक साइड पर रेगिस्तान और एक साइड पर हरियाली, ये फुटपाथ बनाया हुआ है, ये वाला ये जो फुटपाथी है ये आगे जा रहा है। यहाँ पे आज तक कोई मोटरसाइकिल नहीं आई, ना कोई गाड़ी आई है, आएगी भी कैसे, यहाँ कोई रास्ता है ही नहीं। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ हर चीज़ ऑर्गेनिक है और हर चीज़ ट्रेडिशनल बनी हुई है। ये दीवार आप देख सकते हैं पीछे, लकड़ी की बनी हुई है। और घर मैंने बताया था, अच्छा कलेक्शन करनी, मैंने बताया था घर भी लकड़ी के बने, छत लकड़ी की बनी हुई है, दीवारें मिट्टी की बनी हुई है, इधर कोई सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं हो रही। अभी मैं सिनेमैटिक दिखाता हूँ अभी आपको। छोटी सी बोट यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लोकल जबान में इसको जक कहते हैं। यहाँ बढ़ गया है मेरे पीछे। यहाँ पे ना कि सिर्फ दीनी तालीम देते हैं, यहाँ बच्चों को साइंसी तालीम भी देते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जिस टाइम मजलिसें होती तब मजलिसें करवाते हैं, और स्कूल कोई बना हुआ नहीं है यहाँ पे, इसलिए बच्चों को इधर बाहर ही पढ़ा देते हैं। अगर कमरे कम अगर धूप ज़्यादा तेज़ हो या बारिश हो तो उनको बाहर जा नहीं पड़ाते। यही बोला गया। ये मैं आपको अभी देसी मिल दिखाता हूँ, ये जो मैं अंदर आया हूँ, ये वाली जगह जो बना हुआ ये प्लस सा, इसमें मेरे ख्याल में आटे को पीसते हैं, गंदुम इसमें डालते हैं और आटा पीसते हैं, शायद यही होगा। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई माइंड नहीं करना, मुझे नहीं पता इतना कोई खास इसके बारे में, सुनी सुनाई बातें बता रहा हूँ आपको। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे हर चीज़ ट्रेडिशनल होगी, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ हद हो गई भाई। टॉयलेट जो होता है वो भी यहाँ पे ट्रेडिशनल बने हुए, मतलब पुराने देसी वो टॉयलेट बने हुए, जिस ये जो मेरे पीछे है ये वाला देसी टॉयलेट, इसको कहते हैं यहाँ के लोकल ज़बान में छक्सा, ये छक्सा है देसी टॉयलेट। और जिन्होंने चिनार के दरख्त देखे हुए वो इससे काफ़ी फैमिलियर होंगे। मैंने पहले कभी देखा नहीं था चिनार के दरख्त, सुना था बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आज देख लिया यहाँ पे चिनार के बाग ही हैं बड़े हुए। ये देखे मेरे पीछे बड़े बड़े दरख्त हैं चिनार के, इतने बड़े, ये देखें मेरे से तकरीबन कोई 10-20 गुना बड़े होंगे। और ऑक्सीजन भी काफ़ी दे रहे हैं, माहौल बड़ा फ्रेश है इधर, ऐसा लग रहा है जैसे एसी के अंदर बैठा हूँ मैं। थोड़ी देर पहले जहाँ से हम आए हुए हैं वहाँ पे काफ़ी लंबी ट्रैक थी, दरख्त नहीं थे यहाँ आने तक, रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, मज़ा आ गया। वहाँ पे बहुत धूप थी और आज मौसम भी बड़ा गर्म है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ये मस्जिद है, हम इसमें नमाज़ पढ़ते हैं और गांव के सारे लोग इसमें आते हैं। कितने साल पुरानी है कुछ पता है? कदीम है ना, कदीम ज़माने से बना है। जो चीज़ इंसान के पास नहीं होती ना उसको उसी की कदर होती है। यहाँ पे अगर हम मोबाइल का नाम दें तो हमारे लिए कॉमन सी चीज़ है, और इस जगह में हालांकि तो कोई टावर भी नहीं लगा हुआ है, तो इधर के एक शख्स ने क्या रखा हुआ है, मोबाइल रेस्टोरेंट। ये बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है, यहाँ लोग दोस्तों के साथ भी आते हैं और फैमिली के साथ भी आते हैं। ये देखें पीछे फैमिली है। हाँ, जिस जगह पे भी हम मैं बैठा हुआ हूँ इधर हमने डिसाइड किया कि हम बारबेक्यू इधर ही करेंगे। और इस जगह की खास बात ये है, दरिया यासीन पीछे
इंडस्ट्री पर आर्ग्यू चल रहा है, बशायद कह रहा आगे चलते हैं, मुशायद कह रहा है मैंने इधर से आगे जाना ही नहीं है, ये कह रहा मैं थक गया हूँ। तो अभी हमारी भेज चल रही है, बशारत क्या कहना है, आगे जाना है या नहीं जाना? मैं तो कह रहा हूँ आगे चलते हैं आगे। अच्छा अली आप क्या कहते हो? आगे जगह है मुझे लगता है कोई। आप थके हो नहीं थके हो? नहीं नहीं मैं तो नहीं थको, ये मुशाहिद। चले मुशाहिद भाई आप थके हो? यार सबसे बहुत थक चुका हूं इस पड़ा हुआ है, इसलिए क्यों ना आगे करते हैं, इधर ही करते हैं यार, इधर ही करने के लिए। तू हां तू इधर करने के लिए जगह पाई यार, यहां करेंगे आगे। आगे तूने नहीं देखा जगह भाई? ओए बात मेरी सुन ना, यहां करेंगे लेकिन मसला क्या है, हम इधर माहौल नहीं बना पाएंगे। हां गाने शाने हम आ नहीं कर पाएंगे, आगे जाएंगे ना ये फायदा है कि आगे हम गाने आन कर सकते हैं, यहां फैमिली आई हुई है। आगे क्या करना है, आगे रिश्ता नहीं, आगे जगह है, हम देखी हम हो के आए हैं उधर से, इसलिए भेज जा रही है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। सात जन्मों वाला प्यार है हमारा सीख के साथ, वो कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल वाला इश्क है सीख के साथ हमारा। क्या लेंटी जी आप आज क्या बना रही हैं हमारे लिए? आज हम ओ भाई ये भी ना जाने वो भी ना जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जब अल्लाह ऊपर से मेहरबान होना बहुत कुछ होता है। अभी हमने प्लान किया था सीख का, तो इधर कोई फैमिली आई हुई है, वो इनको गरीब समझ के इनके लिए कढ़ाई भेजा है, तो वो अभी देख रहे हैं, तो शुक्रिया कढ़ाई भेजा, बड़ी मेहरबानी। ये सिटी इस पूरे सिटी में सबसे पहला आबादी है। कितना साल पुराना है? आज के स्पिन दाय हो है तीन दिन मेरी उम्र तामी होती नी उम्र बो लो मिशुक्सुम किधर है वाला बस ठीक है बोलती है लो मिशुक्सुम। कास के हवाले से यहाँ पे तकरीबन पांच हो गए, अभी पांच कास रहते हैं, हम 11 फैमिली में से पांच कास्ट वाले अलग अलग। अभी सरमिक से अभी कोई चंद साल ही हुआ है। अच्छा और बाकी कोई क्वार्डो से आया, कोई कारगिल से आया, कोई कहीं से, कोई कहीं से खरवा से। अच्छा हाँ। आज का व्लॉग खत्म हुआ चाहता है, ऑर्गेनिक विलेज का जो व्लॉग रहा बड़ा मजे करा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे थे और काफ़ी फैमिली से यहाँ आई हुई थी और हमने काफ़ी चीज़ें एक्सचेंज की, हमने सिर्फ सीख लाया हुआ था, लोगों ने हमें कढ़ाई दी, हमें काफ़ी फ्रूट दिए और हमने भी लोगों को दे दिया। तो एट द एंड मैंने ये कहना है, यहाँ पे हमें आबिद अली भाई मिले, वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, तो मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया। अंधेरा हुआ है, फ्लश ऑन किया है, वापिस जा रहे हैं, दिल हमारा नहीं कर रहा था वापिस जाने का, अब क्या करेंगे, घर भी तो जाना है, बस ये जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर, बाय बाय।